वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सेवैयां, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये सेवैयां का पैकेट मैंने मार्केट से ख़रीद लिया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है और मैं यहाँ पर 100 ग्राम सेवैयां ले रही हूँ। तो ये 100 ग्राम सेवैयां मैंने यहाँ पर ले ली है। इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर कढ़ाई और 2 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद में इसके अंदर जो है वो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल लेने हैं और उसको अच्छे से जो है वो भून लेना है, फ्राई कर लेना है इसके अंदर। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। जैसे ही हमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे हमें फिर इसको तुरंत निकाल लेना है, वरना जो ये वो जल जाएंगे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ घी है हम इसके अंदर सेवैयां डाल लेंगे और इनको भी जो अच्छे से है वो हम पका लेंगे। हमें लगातार इसको ऐसे ही चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। लगातार आप इसे चलाते रहें और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं, उसके बाद में आप गैस बंद करके इनको जो है वो बाहर निकाल लें। इसके बाद मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/2 लीटर दूध। और अब इसको हमें जो है वो गर्म करना है और इसको साथ साथ में हम चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो जल ना जाए, क्योंकि अभी जो गैस है वो हाई फ्लेम पर है। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे और उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया था वो इसके अंदर डाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और उसी के साथ हम अब इसके अंदर अपनी सेवैयां भी डाल लेंगे। अब हम वापस से इसको जो है वो अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको हमें ऐसे ही पकाते रहना है। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये लगभग 5 इलायची का पाउडर है। अब हम इसको वापस से अच्छे से चलाते रहेंगे। आपको चलाते रहना है, आपको ये जो दूध है वो गाढ़ा करना है। इसके बाद में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 5 बड़े चम्मच चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा दूध गाढ़ा चाहिए उतना आप इसे कीजिए। सेवैयां भी पक जानी चाहिए पूरी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर। केसर जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद में हम इसको वापस से चलाते रहेंगे। मुझे इसकी थिकनेस जो है वो लगभग इतनी ही चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा मोटी चाहिए तो आप इसको थोड़ी और देर तक पका सकते हैं। मेरे लिए ये परफेक्ट है, ये बनकर तैयार हो चुकी है। चलो अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में मैंने इसके ऊपर से गार्निशिंग कर दी थी काजू बादाम और केसर से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं एक चिप्स का पैकेट और कुरकुरे का पैकेट। अब मैं चिप्स के पैकेट को खोल लूँगी, उसके बाद मैं एक प्लेट में निकाल लिए और अच्छे से इसको हाफ में फैला लिए। उसके बाद मैं कुरकुरे, इसको बाकी के बचे जो आधा पार्ट है वहां पर हम फैला लेंगे ठीक इसी तरीके से। इसके बाद में हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डाल लेंगे प्याज। प्याज के बाद में टमाटर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काला नमक, मिर्ची, चिली फ्लेक्स,
अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम लेंगे टोमेटो केचप यानी कि सॉस, जिसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद में जो हमने मसाला रेडी किया है उसको इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छे से नेक्स्ट हम अपनी यूज करेंगे चीज। इसके बाद में मेरे पास एक इडली का कुकर है, उसकी प्लेट में जिसमें मैं ढोकला बनाती हूँ उसी में मैंने इस प्लेट को ऐसे के ऐसे रख लिया। अब इसको कम से कम हमें सिर्फ 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीज मेल्ट हो चुका है और हमारी कुरकुरे लेस चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंगो का सीजन आ चुका है और हम मैंगो से बनाएंगे आज 2 तरीके की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 आम जिनको मैंने अच्छे से जो है वो धो लिया था और अब हम इसको जो है वो काट लेंगे। आज जो 2 तरीके की रेसिपी बनने वाली है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मैंगो मिल्क शेक ज़्यादा पसंद है या फिर मैंगो मस्तानी। तो मैं इसको एक अलग तरीके से कट कर रही हूँ। देखिए अब ये एक अच्छी सी डिज़ाइन बन गई है। इसी तरीके से मैं एक और बना लूँगी और बाकी जो आम है उसको हम ऐसे ही रफली कट कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से। जो डिज़ाइन वाली कटिंग है उसको मैं एक कटोरी के अंदर अलग से निकाल लेती हूँ और बाकी बचे हुए जो आम हैं उससे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आम है इसका जो आधा पोर्शन है, हमें 2 रेसिपी बनानी है इसलिए हम जो है वो आधे आधे इसको डिवाइड कर देंगे। आधे मैंने आम इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 आइस क्यूब। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 1 ठंडा कप दूध। इसके बाद मैं 2 चम्मच चीनी, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं वरना कम। अब हम इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 ग्लास जिसके अंदर मैं रूह अफ़ज़ा से जो है वो डिज़ाइन बना लूँगी। इसके बाद में जो हमारा मैंगो मिल्क शेक है जो हमने अभी अभी बनाया है वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। और जो हमने मैंगो कट करके रखे थे उसको इसके ऊपर जो है वो सजाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कुछ काजू किशमिश, बादाम जो भी आपके पास हो, कुछ टूटी फ्रूटी और रूह अफ़ज़ा। तो हमारा जो मैंगो मिल्क शेक है वो बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे अपनी मैंगो मस्तानी। उसके लिए जो बचे हुए आम थे वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं ये अपने छोटे वाले भाई के लिए बना रही हूँ और उसको मीठा ज़्यादा पसंद है। 1 कप दूध, 2 आइस क्यूब, 1 चम्मच वनीला आइसक्रीम। अब हम इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद में मैंने वापस से 1 ग्लास ले लिया है जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब जो ये बचे हुए आम हैं ये कुछ आम जो हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इसके बाद हम अपने जूस को भी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऊपर से हम इसके अंदर डाल देंगे वनीला आइसक्रीम, आम से कुछ कर लेंगे हम इसके ऊपर गार्निशिंग, काजू बादाम टूटी फ्रूटी और उसी के साथ हमारा रूह अफ़ज़ा। तो हमारी मैंगो मस्तानी भी बनकर तैयार हो चुकी है।
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी बूंदी की चाट। इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैंने डाला है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। जब तक आप यहाँ पर देख लीजिए, नमकीन, कुछ बूंदी, आधा नींबू, धनिया, टमाटर, खीरा ककड़ी, प्याज, नमक और मिर्ची। तो चलिए हम अपनी स्पेशल चाट बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया प्याज, ये कम से कम एक प्याज है। उसके बाद मैं थोड़ी सी खीरा ककड़ी, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, एक टमाटर और बूंदी, ये तकरीबन दो कटोरी बूंदी है। अब इनको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू। नींबू इसलिए ताकि जो भी मसाले मैं अब इसके बाद में डालूँगी वो इन सब के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, इसलिए नींबू जो है वो पहले ही लगा लिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर नमक ले लेंगे। बूंदी में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हम थोड़ा सा सोच समझ कर लेंगे। उसी हिसाब से मिर्ची भी लेंगे। और उसके बाद में स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा जलजीरा। यहाँ पर मैं चाट मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जलजीरा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो ये चाट है ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको पहले से और ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम ऊपर से डाल लेंगे कुछ नमकीन। मैंने यहाँ पर आलू भुजिया ले ली है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फिर लास्ट में हम अब इसके अंदर डालने वाले हैं धनिया। तो हमारी बूंदी की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इन्हें घर में ज़रूर बनाएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।